पीछे देख सकते हो सब सो रहे हैं, मैं अकेली जाग रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया आज मेरा। फ्रेंड्स अभी रात के 2 नहीं 2:30 बज रहा है और अभी देखो अभी मैं बना रही हूँ। डेली ये सब मौका नहीं मिलता है ना, जब मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं जा रही थी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। और आज थोड़ा सा स्पेशल डे है क्योंकि कोई आने वाला है मेरे घर पे, जिसके लिए अनाव्या बहुत ज़्यादा खुश है और इतने दिनों से अनाव्या इंतज़ार कर रही थी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मेरे भाई को साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे देखो मसाले तैयार कर लिए हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्चा ली हूँ, इसको मैंने कूटा है, पीसा नहीं है, पता नहीं दिख नहीं रहा है, देखो हाँ सिर्फ कुटी हूँ, दरदरा कुटी हूँ। और यहाँ पे आलू भी डालूंगी तो आलू भी बारीक बारीक कट कर ली हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालूंगी, उसके बाद ये कटा हुआ लहसुन मिर्चा डालूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो लहसुन मिर्चा को मैं फ्राई कर रही हूँ, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने बटाटा काट के रखी हूँ इसके अंदर डालूंगी। और साथ ही मैं यहाँ पे मैं सिंगदाने को भून रही हूँ और ये भी ऐड करने वाली साबूदाने की खिचड़ी में। आपकी गाइस यहाँ पे हो गया है, ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे हमारा लहसुन मिर्चा हो गया था तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दी हूँ, ये नमक थोड़ा सा डाल दूंगी। इसको ढक देते हैं, आलू को गलने तक के पकाएंगे। तो यहाँ पे सिंगदाना भुना रहा है मेरा, कि मैंने खाना भी नहीं बनाया है और 9 बजने वाला है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है और मेरा मन भी नहीं कर रहा। मुझे जो भी आने वाला है उसको लेने मुझे मार्केट में भी जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो अभी मैं डबल जाऊंगी। इससे जब मैंने बोला जाने है तो जो भी आ रहा है घर का ही आ रहा है, वो थोड़ा सा सबर कर लेगा कि अपना ही आ रहा है, तो थोड़ा लेट बनाऊंगी। बस साबूदाने की खिचड़ी बना के दे देती हूँ क्योंकि उसको अच्छा लगता है साबूदाने की खिचड़ी, इसलिए मैं बना रही हूँ। और जो लाना है वो मार्केट से लेकर आना पड़ेगा, इसलिए उसको बनाई नहीं तो होता तो मैं कब से बना के रख देती। तो जब तक कि हम लोग इसको बनाते हैं, इधर सिंगदाना मेरा भुना रहा है और यहाँ पर आलू भी गल रहा है, तो जब बनाती हूँ अभी चुप घर का भी बुरा हाल कि अभी घर भी सही करना है, पहले जल्दी से हम लोग खिचड़ी साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ। आप लोग बताना मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और कौन किस तरीके से, सब अलग अलग तरीके से वैसे बनाते हैं। और ये जो साबूदाने मैंने भिगाई थी ना फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये मैंने 4 घंटा पहले ही भिगा दी थी, मतलब दोपहर का जब खाना बना रही थी ना 1 बजे तभी मैंने इसको भिगा दी थी, तभी इसे रखा है। और जब इसको भिगाई थी ना तो एकदम थोड़ा सा पानी डाली थी, ज़्यादा पानी नहीं डाली थी क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दो ना हम लोग साबूदाने में तो चिपचिपा हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, एकदम थोड़ा ही डाला था। तो वो आप लोग आगे देख लेना। ओके तो चलो जल्दी से हम लोग इसको भून लेते हैं, उसके बाद ये जब भुना जाएगा साबूदाना बोल रही हूँ ये सिंगदाना भुना जाएगा तो इसको अच्छे से मिक्सर में दरदरा थोड़ा पीस लूँगी और ये जो साबूदाना दिख रहा है इसमें मिक्स करके फिर वो कढ़ाई में डाल दूँगी। तो चलो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ओके पता है फ्रेंड्स मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि जो भी आ रहा है वो मेरे घर पे दूसरी दफ़ा आ रहा है और वो भी मतलब थोड़ा सा रुकने वाला है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जो भी था वो आया था तो ये सुन के तो आपको पता चल गया होगा कई लड़का है। फ्रेंड्स मेरा भाई आने वाला है जो कि आएगा भी सिर्फ रात भर रुकेगा, कल वो सुबह बैंगलोर चला जाएगा 8 बजे, जा रहा है घूमने के लिए। तो उसकी जो ट्रेन है ना वो दादर से है, तो कल सुबह की दादर की ट्रेन है उसकी, तो डायरेक्ट नासिक से दादर आएगा तो लेट हो जाएगा, उसको ट्रेन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग बोले कि आ जाना रात भर रुकना, सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकल जाना दादर के लिए, तो कैसे नींद भी पूरा हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो अभी आएगा वो बस रात भर रुकेगा और फिर कल चला जाएगा, और उसके लिए सुबह फिर मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा टिफिन के लिए, वरना फिर भूख लगेगी ना। तो अभी से ही रात में इंतज़ाम कर लूँगी क्या उसको देना है क्या नहीं देना है। चलो फ्रेंड्स जल्दी से पहले ये बना लेते हैं और चिकन लेकर आऊँगी, तभी वो आएगा तो जाके लेकर आऊँगी उसके साथ ही, उसी के साथ मतलब उसको लेने जाऊँगी ना तभी वो भी ले लूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो बार बार मैं नहीं जा सकती मार्केट। सो फ्रेंड्स सोना के मामू आ चुका है, वो देख सकते हो सोना का मामू ना? हम लोग क्या
हम लोग लेकर आए हैं और उसने अपने बैग में अम्मी ने तिजोरी भी कुछ सामान भेजी है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे अम्मी क्या भेजी है। और ये मेरा भाई लेकर आया है काजू कतली, उसको मैंने बोली कि क्या जरूरत थी लाने की, अभी अम्मी भी आएगी तो अम्मी भी लेकर आएगी, तो क्या जरूरत है लाने के लिए, लेकर आया है। ये क्या हलवा दी है अम्मी, देखो फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको क्या। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अम्मी यहाँ पे भेजी है, ये है हलवा, रवि का हलवा है, और इसमें पता नहीं कौन सा चावल भेजी है और क्या भेजी है, मिठाई दिखाई, और मम्मी बोल रही थी चॉकलेट, हाँ ये देखो मिठाई, और मेरी मम्मी बोल रही थी चॉकलेट भी भेजी है, पर अभी फ़ोन करके पूछती हूँ कौन से चैन में रखी है। तो चलो पहले अभी हम लोग खाना वाना बना लेते हैं फिर मिलते हैं। उधर सोना खुश है, खुश है सोना, हाँ सोना बहुत खुश है। चलो अभी खाना बनाते हैं, टाइम भी देखो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 9:30 होने वाला है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आलू हो गया था, तो मैं भूल गई थी दिखाना, तो आलू जैसे हो गया गल गया, तो मैंने यहाँ पे साबुदाना डाल दी हूँ, और इसमें अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, फिर उसके बाद थोड़ा देर पकाएंगे, फिर हो गया सिंपल। ये देखो फ्रेंड्स हमारा बन गया साबुदाने की खिचड़ी, ये देख सकते हैं जिसको जिसको खाना है वो आ सकता है। ओके ये मेरी मम्मी चालू है वीडियो कॉल पे। सो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं चिकन बना रही हूँ, आज इस तरीके से बना रही हूँ मैं चिकन, थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ चिकन को। पहले मैंने अदरक लहसुन में फ्राई किया है, उसके बाद से यहाँ पे खड़ा मसाला डाली हूँ और प्याज डाली हूँ, बस इसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बस अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। और वो कार्ड कर दिया पैसा मेरे घर में, देखो एक ही दिन में कितना कुछ आ गया ये देखो कितना हुआ। ये है काजू कतली जो कि मेरा भाई लेकर आया है, हेलो पेटीएम पे मेरे पास, मिस्टर जी भी आ गए हैं अभी। आज मेरा घर भरा भरा दिख रहा है, देखो फ्रेंड्स आज मेरा घर भरा भरा दिख रहा है, सब है आज मेरे घर में, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कैश कितना है, रुको ना उसको ये हो रहा है। और इधर हमारे मिस्टर जी ने लेकर आए हैं मोतीचूर के लड्डू, यही बोलते ना मोतीचूर के लड्डू बोलते ना, इन्होंने मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं। ऐसी होते फ्रेंड जब भी मेरे घर में मिठाई आता है ना, कभी ये लेकर आ जाते हैं कभी मेरे घर, कभी घर वाले, तो एक साथ हमेशा मैं नोटिस करती हूँ एक साथ बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाती है, ये भी लेकर आते हैं अम्मी भी लेकर आती है, तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, कभी रहती है तो इतना कुछ रहता है, कभी नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता है। तो अभी फिलहाल तो देख सकते हैं बहुत कुछ है अभी खाने के लिए, और अनाबिया की नानी ने फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही चॉकलेट भेजा है, इसमें सारे फ्लेवर्स है, और जिससे मम्मी चॉकलेट लेती ना पैकेट पैकेट वो आया नहीं था, तो इसने मजबूरन में जो मिला सारे फ्लेवर का अम्मी ले ली है कि इसको ये ना हो। अभी अम्मी भी आएंगे ना तो अम्मी भी लेकर आएंगे बहुत सारा, ऐसी मम्मी लेकर आती है ना बहुत सारा डब्बा डब्बा चॉकलेट लेकर आती है, ये देख लेती है ना सारे चॉकलेट तो ऐसी परेशान करती है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स खाना बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, यहाँ पे ये परेशान कर रही है फ्रेंड्स। अभी रात के 2:30 बज रहा है, और अभी देखो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन बना रही हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो आटा गूंद रखी हूँ मेरे भाई के लिए, सुबह उसको जाना है ना 6:30 बजे निकलेगा घाट को, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से दादर के लिए, दादर जाएगा नहीं तो CST जाएगा, और 8 बजे उसकी ट्रेन है, तो अब सुबह अब 2:30 बज ही गया, तो मैंने सोचा अब भी खाना बना लेती हूँ, ताकि सुबह अगर लेट भी हुआ तो इतना टेंशन नहीं रहेगा, कम से कम चिकन रेडी रहेगा, और आटा गूंद के रख दी हूँ, सिर्फ बस उठूँगी जल्दी जल्दी, सिर्फ रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस चिकन का ही थोड़ा डर लग रहा था कि मुझे लेट ना हो जाए चिकन बनाने में, क्योंकि उसको गलाना रहता ना इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर चिकन बन रहा है, तो अभी चिकन बना लेती हूँ तब सोती हूँ, और वहाँ पीछे देख सकते हो सब सो रहे हैं, मैं अकेली जाग रही हूँ, मिस्टर जी भी जाग रहे हैं, उनको मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो गया ना, बहुत खांसी आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये अभी जाग रहे थे, अभी वो भी गए सोने के लिए, अब मैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा तभी जाऊँगी, उधर मेरा भाई बिस्तर पर सोया, हम लोग नीचे सोए हैं, और टाइम दिखाते हैं आपको, देखो 2:30 बजने वाला है, मतलब 2:30 को 10 मिनट बाकी, क्योंकि मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है ना, इसीलिए 10 मिनट बाकी है, तो अभी ये जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे, इतना नींद आ रहा है ना, और एक तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो इतना बदन भी दर्द हो रहा है, सर भी दुख रहा है, अगर कब सो जाऊँ, बट ये काम कर लूँगी ना तो सुबह आराम से सो उठूँगी, आराम से मतलब उसको भेजने के लिए तो उतना ही पड़ेगा, और एक टेंशन और भी है, कल मुझे कहीं जाना है, वो भी एक टेंशन है, और वो भी मॉर्निंग में ही मुझे जाना है, तो वो भी अब सुबह भी कहाँ सो पाऊँगी, 6 बजे उठूँगी तो रोटी बना के फटाफट उसको दे दूँगी, फिर उसके बाद नहीं सो पाऊँगी मैं,
फिर उसके बाद कहीं जाना है, तो वाला ब्लॉग आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। और अभी देखो मेरा चिकन, ये देख सकते हो फ्रेंड, ये सिर्फ सूखा बनाऊंगी बिना ग्रेवी के, रोटी के साथ। अभी मैंने उसको ढक दिया है, लो फ्लेम पे पकाऊंगी उसको, लो फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक ये चिकन अच्छे से हमारा पक ना जाए तब तक के। और उसके बाद चलो रोटी तो सुबह ही बनाना है, बस चिकन अभी बना लूँ। और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा सीरियल देखती है, जब तक के चिकन गल रहा है तब तक अभी क्या करूँ। नींद इतनी आ रही है ना मेरी आँखें, देख सकते हो, बट अब क्या कर सकते हैं, डेली ये सब मौका नहीं मिलता है ना, जब मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। तभी ये कर लेती हूँ, और जब तक ये गल रहा है तब तक ये कुछ सीरियल वगैरह देखती हूँ ताकि टाइम पास हो जाए, क्योंकि अभी वो भी उधर सो गए, कब से जाग रहे थे अभी सो गए। और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, बाहर का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाती, बट वो मेरा भाई बिस्तर पे सोया है ना, तो अभी जाऊँगी तो उसको डिस्टर्ब होगा, तो इसीलिए। और मैं किचन का ही लाइट चालू की, क्योंकि उधर का लाइट चालू करूँगी ना उसको डिस्टर्ब होगा, उसकी नींद तुरंत टूट जाती है अगर लाइट चालू करूँ तो। तो चलो फिर ये बनाती हूँ, उसके बाद आप लोग से अब डायरेक्ट मॉर्निंग में मिलेंगे जब मेरा भाई जाएगा तब। ओके फ्रेंड्स, हाँ फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ, मेरे चिकन का फाइनल लुक कैसा दिख रहा है। ओके सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चिकन बन के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब इसको हम ढक्कन से बंद कर देंगे और अभी आपको टाइम दिखाते हैं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं एयरफोन लगा ली थी ताकि किसी का आवाज़ ना जाए। मैंने गैस भी बंद कर दिया, मुझे से सिलेंडर बंद कर देती हूँ, नींद तो बहुत आ रही है बट क्या करिए, वो भी ज़रूरी है। और टाइम देखो 3:30 हो रहा है, अब चलते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, 1-2 घंटा 2 घंटा सो लेती हूँ, फिर 6 बजे उठ के रोटी डाल देती हूँ फटाफट, बस रोटी बनाना है बस और कुछ नहीं। और ब्रेड को गर्म करके उसको देना है, और लास्ट में क्या चाय ब्रेड खाएगा बस, और जो है जाके ट्रेन में खा लेगा, ब्रेड गर्म कर दूँगी। चलो फ्रेंड्स, अब सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है, अब सुबह मिलते हैं आपसे। ओके सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी 6:30 हो रहा है, यहाँ पे जाने के लिए तैयार है सर, और जा रही है छोड़ने के लिए, और मैंने सब बना बना के दे दिया है, अब चलो चलते हैं छोड़ने। चलो सोना नहीं उठेगी क्या, उधर अनाभ्यास हो रही है, उठी नहीं अभी। सो फ्रेंड्स, सुबह मेरा भाई चला गया था, 6:30 बजे गया, और दादर से उसकी ट्रेन थी, 8:10 की ट्रेन थी, तो उसको एकदम टाइम पे ट्रेन मिल गई। उसको पता है डर था कि पता नहीं वहाँ पे दादर में पता नहीं बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ जाने का कहाँ नहीं, तो बोल रहा था कि मैं CST चला जाता हूँ, CST से वहीं से भर के जाता ना, बट फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या सुबह आया, बोलता नहीं जानते मैं दादर से चला जाऊँगा। तो दादर में गया, उसको जैसे डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे ही गया उसको इजीली मिल गया, बैठ गया उसको, आराम से बैठ गया, चला भी गया। अभी पता नहीं कहाँ होगा, अभी मैंने फ़ोन नहीं की, दोपहर में लगाई थी, अभी शाम हो रहा है, 5:30 बजने वाला है, तो दोपहर मतलब सुबह ही बोलेंगे, 11 बजे लगाई थी, तो लोनावला पहुँचा था, उसके बाद से मैंने उसको फ़ोन नहीं लगाई। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठ के उसको सब कुछ टिफ़िन वगैरह दे दी थी, फिर उसके बाद मैं कहीं गई थी, सुबह में ही मेरे को जाना था, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था उठने का, बट क्या करूँ कहीं जाना था, इसलिए फिर मुझे उठना पड़ा। तो वो भी गई थी 10 बजे, गई वहाँ पे, कहाँ गई थी वो प्लीज़ आप लोग मेरा नेक्स्ट वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, कहाँ मुझे जाना पड़ा सुबह सुबह संडे वाले दिन, तो और दिमाग ख़राब हो गया। और आने के बाद मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, फिर काम करते करते 2:30 बज गया, और उसमें भी बहुत सारा लोचा हुआ, क्या लोचा हुआ वो भी आप लोग को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया आज मेरा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, उसमें सब कुछ बताने वाली हूँ क्या मेरे साथ, बहुत दिमाग ख़राब हो गया आज मेरा, बहुत मतलब बहुत दिमाग ख़राब हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो आप लोग को बताऊँगी। इस वाले ब्लॉग में चाहती तो बताती, लेकिन ये ब्लॉग है ना ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो ऑलरेडी व्यूज़ नहीं आते, तो इतना लंबा करके क्या फ़ायदा, तो छोटा छोटा बनाओ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये अनाबिया की नानी ने चॉकलेट्स भेज दिए, तो चॉकलेट खा रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।